और यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे हैं कैराना लोकसभा सीट से सीधे लाइव। और यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे हैं जो मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर हुआ। समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन देखने को मिला, रामपुर में एक नहीं तीन उम्मीदवार उतर गए और आप सोचिए मुरादाबाद के अंदर एसटीएसएन का नामांकन रद्द हो गया तो रुचिवीरा वहां मैदान में कूद गए। क्या अखिलेश यादव की हरी झंडी थी या नहीं, तो आजम खान या रुचिवीरा मुरादाबाद और रामपुर में खेल बिगाड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी का, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से एक बार मैं परिचय करा दूं। मोहसिन रजा साहब है हमारे साथ, आपको बता दें बीजेपी की तरफ से। मोहसिन रजा जी एक बार फिर से स्वागत है आपका। आलोक त्रिपाठी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज खान है आजम खान के समर्थक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे आपसे, मैं संदीप जी एक सवाल लेना चाहूंगा। जो आज यहां मुरादाबाद और रामपुर में देखने को मिला, ये क्या माना जाए सर, ये बगावत की पिक्चर देखने को मिली या लग रहा है कोई कंफ्यूजन हो गया है या लग रहा है कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, ये हुआ क्या? ये तो मिसकम्युनिकेशन तो कहीं से हो ही नहीं सकता। आज भी ये सीधे से तरीके से ये आजम खान बनाम अखिलेश यादव, ये सीधी मुझे जो लग रहा है वो सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है। रुचिवीरा को भी आपको मालूम होगा कि आजम खान की बहुत करीबी मानी जाती है, इसके पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी है विभिन्न क्षेत्रों से, उनका ये गढ़ भी नहीं है ना ये वहां की मानी जाती है। उसके अलावा रामपुर में जिस कैंडिडेट को मदनी साहब को लाया गया है वो दिल्ली के किसी मस्जिद के इमाम है, उनको यहाँ पे लाया गया है सिर्फ इसलिए कि अल्पसंख्यक वोट वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और जिस तरीके से उसके बाद आसिफ रजा और जिस एक और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष उन्होंने नामांकन किया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी में बगावत पूरी तरह से आपको अब सामने दिखाई पड़ रही है। इस बगावत को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कैसे मैनेज करती है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है अखिलेश यादव जी के लिए और उनके पूरी पार्टी के लिए। अगर इस तरह के कैंडिडेट को आपने नामांकन के पहले आसिफ रजा से किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई लिस्ट है, आपके पास कोई लेटर है, तो ये अपने आप में दर्शाता है जेपी की कहीं ना कहीं ये पार्टी बगावत की ओर पूरी तरीके से बढ़ गई है। और लोकसभा चुनाव गठबंधन को मिलेगा और उसका सीधा बेनिफिट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई एकदम साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और आपने इसके पहले उपचुनाव में भी देखा था, रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव में भी जब आजम खान ने सीट छोड़ी थी उनको ऊपर आरोप लगा था। तो ये सारे ऐसे निकट के चुनाव हैं जिनके आधार पर आप ये कर सकते हैं कि बगावत अगर नहीं रुकी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजम खान ये दो लोग मिलने के बाद आप देखते हैं कि चिट्ठी आती है उसमें कहा जाता है कि अगर आप अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो रामपुर में चुनाव का एक तरीके से रोक मतलब उसमें कोई भाग नहीं लेगा और उसके तरीके से चुनाव में कोई जाएगा नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। आजम खान ये फिर से बताना चाहते हैं कि रामपुर में समाजवादी पार्टी से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो आजम खान है। आजम खान ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के सुंदर मेंबर है बीजेपी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अखिलेश यादव से बड़ा इस पार्टी में कोई पद नहीं हो सकता। इसलिए अगर अखिलेश यादव ने जिसका नाम डिसाइड कर दिया है पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को उसके साथ चुनाव लड़ना चाहिए, तभी आप एनडीए को चुनौती दे पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए चुनौती बहुत कमजोर जाएगी। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकती है, अन्यथा और कोई और किसी एनडी के गठबंधन किसी के दल में किसी में हैसियत नहीं है जो बीजेपी। संदीप जी मैं लौटूंगा आपके पास लौटूंगा। त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी आपने सुना संदीप श्रीवास्तव जी को, उनका विश्लेषण, ये ताकत की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है आजम खान वर्सेस अखिलेश यादव की, क्योंकि आजम खान नहीं चाहेंगे कि नदवी साहब को टिकट दिया जाए और वही लड़ाई आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी आपकी पार्टी के लिए। हम तो सर अलर्ट कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। शर्मा जी टीवी पे बोलना और किसी से बिना बात किए कोई परसेप्शन देना ये अपनी अपनी खुद की सोच हो सकती है। मैं संदीप भाई की बात का कुछ डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरी तरीके से एक बात को जरूर काट रहा हूँ कि आदरणीय आजम खान साहब और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में किसी प्रकार की कोई बात में इधर उधर है, रत्ती पर बात नहीं है, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं चल करके सीतापुर गए और मुलाकात की। मुलाकात के बाद जैसा आजम साहब ने डिसाइड किया, कई सारी सीटों पर पश्चिम पे बातचीत हुई, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बिजनौर हो, नगीना हो, सहारनपुर हो, संभल हो, हर प्रकार की हर सीट पर लिस्ट वाइज एक एक
चरण वाइज चर्चा हुई। आजम साहब खुद चाहते थे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां चुनाव लड़े, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दरअसल अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं वो कन्नौज पे, सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव को पीडीए को धार दे करके और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर हराने पर बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का एक ही कैंडिडेट होगा और आजम साहब के सहमति से कैंडिडेट होगा जो भी कैंडिडेट होगा, और जो भी नहीं होगा, बल्कि मौलाना नदवी साहब ने पर्चे के साथ में ये भी फॉर्म जमा किया है, 99.99% आजम साहब नदवी जी को अपना आशीर्वाद देंगे, अपनी बात को पूरी तरह समर्थन करेंगे, और आजम साहब के समर्थन से ही नदवी साहब को टिकट दिया गया है। आजम साहब ने ही चाहा था कि नदवी साहब को वहां चुनाव लड़ाया जाए। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसके बाद मान लीजिए आसिम रजा साहब हैं या अब्दुल सलाम भाई हैं, मुझे लगता है दोनों जिम्मेदार साथी हैं पार्टी के, और दोनों लोग पूर्व में एक लोग जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, आसिम रजा साहब ऑलरेडी एक लोकसभा दो उपचुनाव लड़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बचकानी हरकत करेगा, क्योंकि इस समय पीडीए के साथ खड़े होने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, महिलाओं की सुरक्षा पे और देश के जो हालात पैदा कर दिए हैं उन सब चीजों पर सबको एकजुट होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा और हम चुनाव तभी जीतेंगे। ठीक है मोहसिन राजा जी, मोहसिन राजा जी, पीडीए के फॉर्मूले के दम पर ये आप लोगों को हराने का दम भर रहे हैं सर, और खासकर देखिए रामपुर मोहसिन राजा जी आपने छीन ली, लेकिन मुरादाबाद आप नहीं छीन पाए थे, लेकिन क्या इस बार जो कंफ्यूजन स्थिति है वो आपको फायदे पहुंचाएगी? मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, तो क्या रामपुर के साथ साथ मुरादाबाद भी छीन पाएंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम हराएंगे पीडीए के दम पर। मैं आपको कुछ सीटें हैं जेपी शर्मा जी, मैं आपको कुछ सीटें बता दूं, जो 14 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर रही थी, जो हम किसी कारणवश कमजोर रहे थे वहां पर, इस बार चूंकि हमने वहां पर काम किया है, जनता के बीच में जाकर योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है, वो सीटें भी हम जीतने जा रहे हैं। और ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तीन लोगों ने पर्चा भर दिया, वहां की लोकल यूनिट कह रही है हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम चुनाव में लड़ने आए हैं। तो आखिर इन्हीं से पूछिए आलोक भाई, बताएं हमारे कि आखिर वहां ये सब क्या हो रहा है, या दो दो पर्चे मुरादाबाद में भरे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से हो रहे हैं या विरोध में हो रहे हैं? तो ये सारी चीजें साफ हो चुकी हैं कि 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल में उन सबने देखा है, सबसे बड़ी चीज है कानून व्यवस्था। बगैर कानून व्यवस्था के उत्तर प्रदेश संभल नहीं सकता था, जिस तरह से 17 से पहले कानून व्यवस्था थी लेकिन मोहसिन राजा जी ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जो आपके लिए बहुत चैलेंज है, जो आपके लिए बहुत चैलेंज है। बिल्कुल आपने जो बात कही जेपी जी, मैं बता दूं, मुसलमानों को सिर्फ छलने का काम किया गया ना, चाहे कांग्रेस रही हो 60 वर्षों उठने चला, सपा बसपा आई, उन्होंने छलने का काम किया, वो इनके लिए वोट बैंक थे, हमारे लिए वो हम उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में उनके लिए जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने बनाई और जो मुस्लिम समाज के लोग पात्र हुए उनके घर पर पहुंचाने का काम किया है, क्या इन्होंने कभी किया था? इन्होंने खाली वोट लिया और हमसे ये बताकर कि ये साहब मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो मुस्लिम विरोधी आप थे, क्योंकि आपने उनको सड़क पर छोड़ा था, हमने उनको घर दिया है, हमने उनको रोजगार दिए हैं, इसलिए वो हमारे साथ आएंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, जल्दी से जवाब इस पर। मैं मोहसिन भाई से दो बात पूछना चाह रहा हूं, आपने अपने समाज के कितने लोगों को घर, दोनों को सामने लाइएगा, क्या कोई लिस्ट, कोई डाटा, कोई आंकड़ा कुछ है आपके पास? मैं अभी इसी लखनऊ शहर में छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन्हीं की सरकार ने वहां सीवर डाला, इन्हीं की सरकार ने वहां नगर निगम के टैक्सेस लिए, इन्हीं की सरकार के इस हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री जिन्होंने अपने निधि से वहां पर सड़कें बनवाई और उसी अकबर नगर को उजाड़ दिया गया। अकबर नगर में कौन रहता है मोहसिन भाई, बताएंगे आप लोगों ने किए थे? अकबर नगर में कौन रहता है मोहसिन भाई? आपने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है मोहसिन भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अकबर नगर में कौन रहता है? रहीम नगर में कौन रहता है? अकबर नगर के बाद भीखापुर में कौन रहता है? 10,000 मकानों को आपने उजाड़ दिया है झटके में,
10,000 लोगों को बेघर कर दिया एक झटके में, जो लोगों की बसी बसाई जिंदगी थी। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास देंगे, अरे भैया जो लोग 60 साल से रह रहे थे, 40 साल से रह रहे थे, आपकी सरकार उसका टैक्स ले रही थी, आपकी सरकार ने तमाम सारी बातें करी। चुभने वाला सवाल करिए तो भाई मोहसिन भाई भड़क उठते हैं, चुभने वाली बात कर दीजिए, कुछ भी बात पूछ लीजिए तो तुरंत बात शुरू कर देते हैं। अरे मोहसिन भाई आपकी सरकार, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, एक बड़ी बात, आलोक जी, आलोक जी, अरे आलोक जी ऐसा नहीं, आलोक जी आप ऐसे आंकड़े तो मत कहिए ना, आलोक आलोक त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी, अरे आलोक, अरे रुकिए ना त्रिपाठी जी, रुकिए त्रिपाठी जी, एक सवाल त्रिपाठी जी, मेरा एक सवाल त्रिपाठी जी, मौसिन जी मैं रोकना चाहूंगा एक बार, एक आलोक त्रिपाठी जी, ये आलोक त्रिपाठी जी, अरे होल्ड, अरे आलोक त्रिपाठी जी रुकिए ना, अरे रुकिए आलोक त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी, अरे रुकिए सर त्रिपाठी जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है आपने वो मुद्दा उठाया वो ठीक है आप अपनी वजह, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को सर घर नहीं मिला। सर मैं कैराना से आपसे सीधे ये खास चर्चा कर रहा हूँ, आज ये तो मुस्लिम बाहुल इलाका है कैराना, कैराना सीट आप भी जानते हैं सर, यहाँ समाजवादी, सर आज मैं बहुत मुस्लिमों से मिला, सबने कहा कि योगी जी, देखिए वो जाएंगे समाजवादी पार्टी का, कह रहे कि योगी जी ने हमें दिए मकान, हमें राशन दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं दिए इनकी सरकार ने। अरे भैया मैं एक बात और कह दूं, शर्मा जी हम आप ही की जवाब दे दें, अगर आप कहें तो मैं आपका जवाब दे दूं। आप बताइए ना, मैं यही तो पूछ रहा हूं, हाँ मैं यही तो पूछ रहा हूं ना आपसे। शर्मा जी आप चंद मुसलमानों से मिले होंगे, हम समाजवादी पार्टी में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बाई कास्ट मैं ब्राह्मण हूँ, और गलती से मैं समाजवादी पार्टी का शुरू से आज से लेकर के अब तक। अरे त्रिपाठी जी मैं यूपी में ही घूमता रहता हूँ, त्रिपाठी जी मैं यूपी में ही घूमता रहता हूँ, और खूब अच्छे से समझे, आप ठेकेदार मत बनिए मुसलमानों के, आप लोगों ने लूटने का काम किया मुसलमानों। अरे मोहसिन भाई जिस सफीपुर के आप रहने वाले हैं उसके अगल बगल में 50,000 अगल बगल में 50,000 मुसलमानों की बस्ती है, अगल बगल आपके टाउन एरिया, आपका जो होम टाउन है। अरे भाई सुन लीजिए मोहसिन भाई, सुन तो लीजिए मेरी बात, आप जिस होम टाउन के रहने वाले हैं, सफीपुर वो टाउन है, सफीपुर के बगल में बांगरमऊ है, सफीपुर के बगल में रसूलाबाद है, सफीपुर के बगल में मियागंज है, चले ठीक है त्रिपाठी जी मैं लौटूंगा, मोहसिन जी मैं लौटूंगा, प्लीज आप रुकिए, मेरा सवाल फिरोज खान साहब से, बताइए जिनको आपने पेंशन दिलाई हो, फिरोज खान जी से मेरा सवाल है, त्रिपाठी जी आप रुक जाइए, त्रिपाठी जी प्लीज रुक जाइए, मोहसिन राजा जी प्लीज, मोहसिन जी आप रुकिएगा, मोहसिन भाई आप, अरे सर रुकिए, फिरोज खान साहब समाज के साथ, अरे सर रुकिए सर, त्रिपाठी जी जनता पार्टी ने जितना त्रिपाठी जी बात हो गई ना, त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी रुक जाइए, और भी लोग हैं ना सर, और लोगों को मौका दे दीजिए। फिरोज खान साहब देखिए ये मुद्दा मुसलमानों पर नहीं कर रहे, लेकिन सच ये है कि रामपुर में आजम खान भी नाराज हैं, और आपको पता है पिछली बार नाराज हुए थे क्योंकि वहां पर पूछ नहीं होती थी, अखिलेश यादव ने पूछा नहीं उनको, उनसे मिले नहीं, और वो नाराजगी आज भी उनके लिए टीस बनकर चुभ रही है, और आप भी मानते, क्या फिरोज खान साहब ऐसा नहीं है क्या? देखिए ऐसा तो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी खैर खबर लेते रहते हैं, और पिछले दिनों में क्योंकि वो स्वास्थ्य, सर वहाँ बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे सर, मुस्लिम नेता, अच्छे अच्छे नेता जो आजम खान से टूटकर अलग चले गए क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी में पूछ नहीं हो रही थी, और वही नाराजगी आज बगावत बन गई है यहाँ पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी में सबको सम्मान मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में जो भी गया लखनऊ उसको सबको सम्मान मिला, ऐसा कुछ नहीं है। और आजम खान साहब संस्थापक सदस्य हैं, पुराने नेताजी के साथ के हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको अंकल कहते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये सब परिवार है, ये सब बाहर के लोग जितने खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, क्योंकि मुकाबले पे सिर्फ बकौल आपके या और लोगों के, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर रहा है झूठ का फरेब का है, कोई वो समाजवादी पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी किसी से घबराती है तो वो समाजवादी पार्टी से। आज किसी पार्टी में मतभेद हो कोई जिक्र नहीं है, अगर समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा अगर कहीं मामला आपस का परिवार का आ गया तो उसको मुद्दा बना ताकि जनता में एक मैसेज चला जाए, लेकिन जनता इंडिया गठबंधन के लिए
और पीडीए के लिए मन बनाए बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का ये अपनी सोच हो जाएंगे या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और कामकाज सारा जितना जनता ने अभी भी देख रहे हैं लोग, मुसलमानों को क्या मिला, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को कितने टिकट दे दिए, मोहसिन भाई को कितने टिकट दे दिए, और जितने लोग हैं, मैं नगर पालिका नगर निगम की बात अगर करूं, विधानसभा की बात करूं, या अब इस वक्त मौजूदा 2024 के चुनाव की बात करूं, तो मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है। आज की तारीख में रमजान अल मुबारक चल रहा है, ये रोज अफ्तार का कहते हैं हमारे एजेंडे भी नहीं है। अरे भाई, मुसलमानों से उम्मीद रखते हो, मुसलमानों के लिए घर देने की चर्चा करते हो, मुसलमानों का कहीं एजेंडे में तुम नाम नहीं लेते, तो आप मुझे मुसलमानों से क्या उम्मीद रख सकते हो। और कहीं बात को आती है, ठीक है ठीक है, तो मुसलमानों के खिलाफ आपका प्रशासन काम करता है, तो क्या मानेंगे इसको। तो मुसलमान जब देख रहा है कि हमारा हितेशी कौन है, इंडिया गठबंधन हमारा हितेशी है, इंडिया गठबंधन को हम ताकत दे देंगे तो हमें मकान भी मिलेगा, बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, नौजवानों को नौकरी का जो वायदा झूठा किया गया था वो सच इधर आके हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है। 2024 में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा नारा है कि 80 हराओ, ये उससे घबराहट है और कुछ नहीं है। रामपुर और मुरादाबाद की तो बात ही आके, और ये आप भी इसको ले आए, डिबेट हो रही है इस बात पे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि रामपुर भी जीतेगी और मुरादाबाद भी जीतेगी। रामपुर तो पिछली बार बेईमानी से जीत लिया गया था, तो उस पर मोहर लग गई कि बीजेपी ने जीत ली। और मुरादाबाद हो चाहे संभल हो, पूरा मुरादाबाद मंडल में आपने देखा कि बसपा गठबंधन के जितने भी कैंडिडेट थे वो सारे के सारे जीते थे। उससे भी भारतीय जनता पार्टी में बुकलाट हो गई थी कि ये क्या हुआ, लेकिन उससे स्थिति इस वक्त और भी अच्छी है, क्योंकि जितने भी वादे भाजपा ने किए थे वो कहीं एक भी पूरा नहीं हुआ। कहने को मैं भी कुछ भी कह दूं, झूठ सच बोल दे, और जिस तरीके से रामपुर का उपचुनाव हुए दोनों, ये नजीर है प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान में किसी सूबे में किसी प्रांत में ऐसा जुल्म और ज्यादती इस तरीके से नहीं होगी हुई होगी। चुनाव आयोग का ये दावा रहता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह रैलियां की जाती हैं, लाखों रुपए खर्च होता है कि अपने मत का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें, खाना बाद में खाएं, पहले मतदान हो, लेकिन मतदान ही रोकने की बात कहीं होती है। असल में बुजुर्गों को पीटा जाता है, महिलाओं के ऊपर जाति की जाती है, तो वो भी पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। तो मैं उस पर सफाई अगर कोई दूं तो वो सिर्फ एक बहस ही होकर रह जाएगी, लेकिन जनता पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को, खास तौर से अखिलेश यादव जी के और इंडिया गठबंधन पे, माननीय राहुल जी पे, और जितना भी ये इंडिया गठबंधन है, पीडीए, इस पे विश्वास करके उस तारीखों का इंतजार कर रही है जब उसको वोट डालना है। ये आप देख लेंगे कि दोनों चीजों के ऊपर आपने बहस की, रामपुर और मुरादाबाद के ऊपर, ये दोनों समाजवादी पार्टी जीतेगी। और संबल का तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि संबल तो नजीर है, जब अल्लाह बख्श बर साहब जिंदा थे तो लाखों से जीतते थे, अब समाजवादी पार्टी संबल में फिर जो फैसला ले चुकी है, तो ऐसे ही हालात बिल्कुल संबल में भी समाजवादी पार्टी के ही बनेंगे, क्योंकि नेताजी दो बार सांसद रहे, प्रोफेसर साहब रहे यहाँ से, और बराबर की सीट है, बधाइयों से आदरणीय शिवपाल चाचा जी हैं।